हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए फतेह मोटर्स जलंधर में। आज मैं एक स्पेशल चीज़ लाया हूँ, जो है एक बाइक की राइड। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करा है, जो है ये वाली बाइक, कॉन्टिनेंटल GT 535 CC इंजन, लुकिंग सुपर्ब ना। आज इसको अराउंड 30 किलोमीटर्स की राइड पर ले जाऊँगा। आई नो 30 किलोमीटर्स कुछ मैटर नहीं करता, बट स्टिल फर्स्ट टाइम एक राइड प्लान करी है मैंने। इस सोलो राइड होगी आज। मैं बाकी आपको शोरूम का लेआउट दिखाऊंगा कैसा है, एंड कुछ जो डिस्प्ले वाली बाइक्स है वो भी आज आपको मैं शो कर रहा हूँ। सो फाइनली बाइक आउट, हमने बाइक निकाल दी गई है। अब चलो इसकी राइड पे चलते हैं। चले भाई, बाइक इज वर्किंग सुपर, मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है अभी भी ये। चलते हैं फिर आगे। ब्रेक्स आर वर्किंग मैग्निफिसेंट, मतलब मज़ा आ गया यार। अरे थोड़े से इंग्लिश वर्ड यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं। इसका जो पोस्टर है वो बढ़िया चीज है, बिल्कुल लीन ऑन होके। चलो जी, अब आगे ट्रैफिक सिग्नल में। वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सेटअप ट्रैफिक में खड़े होते हैं, बड़े मजबूरी है। बाइक बड़ी पसंद है यार, मन कर रहा है ले ही लूँ इसे। चलो ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया।
पिकअप ले रही है। आज ज़्यादा लंबी राइड नहीं, आज एलपीयू तक लिए जा रहा हूँ, फगवाड़ा तक, क्योंकि मेरे को लगता है यार एक जो अपना भी एक दिन का ड्रीम ही पूरा कर लूँ राइडिंग का। लद्दाख तो अभी मुश्किल ही यार भैया, मुश्किल ही कम नामुमकिन। फिर ट्रैफिक में अटक गया यार, क्या बात है। सो वी कम आउट ऑफ ट्रैफिक, बड़ी मुश्किल से भैया ट्रैफिक से जान छूटी है। एंड आगे तक अराउंड 500-600 meters और आगे मुझे ट्रैफिक मिलेगा। अभी तो हल्का सा खाली सा लग रहा है रोड पे। वैसे थैंक यू टू फतेह मोटर्स, बिकॉज उनकी वजह से आज ये राइड पॉसिबल हो पा रही है। उन्होंने मेरे को ये थोड़ी देर के लिए दे दी बाइक फॉर अ राइड। सी कंप्लीट स्ट्रक इन ट्रैफिक राइट नाउ, पर मैं कभी ट्रैफिक रूल्स ब्रेक आउट नहीं करता। चलो गेटिंग आउट ऑफ ट्रैफिक, देखते हैं। ओ नो 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 नो, यस क्रॉस्ड, बट आई एम रॉन्ग दिस टाइम बिकॉज आई हैव crossed in yellow light, that's not good at all according to our traffic rules, so I've done a wrong thing, so apologies for that. Yeah, मेरे आजकल वीडियो पे जरा लाइक्स व्यूज कम आ रहे हैं, जरा उस पर भी ध्यान दीजिए, अच्छी अच्छी वीडियोज बनाया करूंगा। वैसे भाई एक सच बात बताऊं, ये जो मैंने वीडियोज करने की हिम्मत करी है ना, ये जैसे गाड़ियों के रिव्यूज करना, बाइकों के, आज मैंने पहली अपनी राइड कर रहा हूँ छोटी सी सही, पर मुझे करके बड़ा खुशी मिल रही है। लाइक मैंने कभी ऐसी भी कोई राइड नहीं करी आज तक अपनी लाइफ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद सब आगे वाले सालों में या आगे वाले महीनों में मैं और लंबी लंबी राइड्स करने की कोशिश करूँगा, लाइक लुधियाना टू चंडीगढ़, जलंधर टू लुधियाना, जस्ट लाइक दैट। तो फिर ये मेरी भी कोशिश रहेगी, आई विल गिव माई बेस्ट। एलिगेटर्स है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये सही मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो पिरेली की है वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। पिरेली के बारे में लाइक जो एवरी बाइकर, एवरी जो जिसको रेसिंग या परफॉर्मेंस से नॉलेज होगी, सो डेफिनेटली नो अबाउट दी पिरेली टायर्स, दीज आर दी स्पोर्ट डीमन वन। एंड सबसे अच्छी बात इस बाइक के बारे में जो है इसके ब्रेम्बो डिस्क ब्रेक्स। ब्रेम्बो भी एक ऐसी है, वही चीज है जो मैं आपको पिरेली के टायर्स के बारे में कहूँगा। जो पिरेली के टायर्स है दीज आर मैग्निफिसेंट एंड सुपर्ब, दैट्स लाइक ऑसम। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दी ब्रेम्बो डिस्क ब्रेक्स, दीज आर सुपर्ब, दीज आर फ्लोटिंग डिस्क, सी दीज आर नॉट स्किटिंग। ठीक है, फाइनली अब चलते हैं एलपीयू की ओर। एलपीयू तक तो हमारा मेन था, उससे आगे तक देख सकता हूं। वन टेन, ये फर्स्ट टाइम चलाया तो 100 ही चला पाया था इसे, बहुत ज्यादा विंड नॉइस आ रही है, विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा ही है, बट आई एम स्टिल फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। डर तो लग ही रहा है यार, फर्स्ट टाइम ऐसे राइड कर रहा हूँ बाइक पे, बहुत अच्छा खासा नॉइस पड़ रही है मेरे। आई होप अगर ठीक हो पाया तो करूंगा, नहीं तो फिर सॉरी फॉर दैट। सो वी आर एट परातपुर, इट्स अ प्लेस आउटसाइड जलंधर, लुधियाना से 50 kilometers अवे, सो वी आर नॉट गोइंग देयर। तो बाइक का क्लॉक 110 kilometers पर आवर एट फुल रेस। वूहू, बाइक इज फीलिंग सुपर्ब, बड़ा ये अच्छी फील दे रहा है। पहुंच गए, ये दूसरा रॉयल एनफील्ड, अभी हो सकता है यहाँ पे भी आऊंगा अभी मिलने सर से, फिर तो बाइक के बारे में रिस्पॉन्स देने कि कैसी फील हो रही है बाइक मुझे, बट आई थिंक इट बाइक इज वर्किंग वेरी वेल, आई लव विद इट। हाईवे राइड करी फर्स्ट टाइम इन लाइफ,
बाइक पे, और वो भी एक बेस्ट बेस्ट है भाई, वो भी कैफे रेसर में। ये कभी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था हार्ले पे करूँगा या ट्रायम्फ पे करूँगा, बट स्टिल एक रॉयल एनफील्ड में कर रहा हूँ। और इससे बढ़िया ग्रेस की है, एक प्राउड की बात हो ही नहीं सकती। एवरी बाइकर जो नया नया बाइकिंग करके उसको एक्सप्लोर करना चाहता है, एवरी टेरेन इन दिस एवरी टेरेन ऑन इंडिया। अब वी आर एट फगवाड़ा, जो आज हीटिंग इश्यूज बहुत हो रहे हैं यार, बाइक पे हीट कर रही है, मेरे को फील हो रहा है, वाइब्रेट भी कर रही है। ये ग्लव्स होते हैं इफेक्टिव नहीं है, जो प्रॉपर बाइकिंग ग्लव्स होते हैं दैट शुड बी मोर एफिशिएंट, ये जो सिर्फ विंटर ग्लव्स हैं। चलो यार कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है भाई का। वी आर एट नियर, वी हैव अप्रोच बर्गर किंग। चलो एलपीओ से आगे निकलते हैं। मजा आ रहा है बाइक वैसे पे भैया, सही बात बताऊं यार, ये वीडियो में जो कह रहा हूँ ना, प्लीज इसको जरा, ये एक मेरे एक इंफॉर्मेटिव भी बात हो सकती है, लाइक जो बाइक के बारे में और जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा वो, एंड सेकेंडली जो यार आप जो 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 मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करता अपनी लाइफ में या यूट्यूब पे, सो डेफिनेटली लाइक टू शेयर विद यू गाइज ऑल्सो। आगे भी जाएंगे हम, ये माइट गो टू फगवाड़ा इन सिटी ऑल्सो। वी हैव रीच एलपीयू, सर की कॉल आ गई थी, कह रहे थे मिल जाना, बताना बाइक का कैसा रहा एक्सपीरियंस, सो वी विल चेक इट आउट, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा सा राइड हो जाए। अब जो नेक्स्ट यू टर्न मिलेगा वहीं से लेंगे, ठीक है। अब हम कहां पहुंचे हैं, वाओ लिमो यार, इसका भी रिव्यू करना पड़ेगा, बात करते हैं साथ में को यार, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, पता है अच्छा लगे या ना लगे, पर मेरे को दिल से बड़ी खुशी मिल रही है आज, इतनी खुशी मेरे को नहीं मिली लाइफ में। वो कैसे, क्योंकि क्योंकि दिल से हम भी एक बाइकर हैं बाइक लेने की, सो माइट बी रॉयल एनफील्ड में देखूंगा यार, क्योंकि रॉयल एनफील्ड इज अ ब्रांड विच नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल, एंड बिकॉज दे रिस्पेक्ट द बाइकर्स, जो कस्टमर्स होते दिल से रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, क्योंकि क्योंकि मैंने वो उनसे ही शुरू हुई थी ब्रांड, जो ब्रांड इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एवर, क्योंकि जो उन्होंने बाइकिंग कल्चर उन्होंने बहुत ही अच्छा इंक्रीज करा है इंडिया में, लाइक हर जो हर एक यंगस्टर है या यूथ में से कॉन्टिनेंटल ले रहा है या हिमालयन ले रहा है या इम्पोर्टेड में जा रहा है, एनीथिंग एनी बाइक, नॉट एन रॉयल एनफील्ड एंड एनी बाइक, इफ आई टॉक अबाउट KTM, इफ आई टॉक अबाउट बजाज, इफ आई टॉक अबाउट होंडा, सो अभी उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है इन ब्रांड्स में बाइकर्स को। KTM में तो फिर भी मिल जाती है यार, क्योंकि क्योंकि जो ड्यूक काफ़ी अच्छी लॉन्ग राइड्स पर जाती है, टू गो फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स एट ऑल, लाइक नॉट इन लद्दाख, आई ऑल्सो गो लाइक टू गोवा डेजर्ट मनाली एंड अब्रॉड एज वेल, लाइक टू भूटान और म्यांमार। थोड़ा सा कफ लग रहा है मुझे, थोड़ा सा कफ कर रहा हूँ, सो आई एम सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड हो गया मुझे। में जो एग्जॉस्ट है स्टॉक एग्जॉस्ट लगा रखा जो कंपनी फिटेड आता है, बट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गो फॉर अ रेड रूस्टर और द कंपनी फिटेड आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, बिकॉज इट फील्स द रोर मोर बेटर। जैसे ट्रायम्फ की बाइक्स होती हैं, जो बॉनवेल का जो एग्जॉस्ट है इट्स सुपर, मजा आ जाता है। जो कंपनी वाला है वो भी अच्छा है, बट जो एरो एग्जॉस्ट होते हैं ना, वो एक जो फील आती है ना, वो यार एक बता नहीं सकता, जो एक फील आती है ट्रायम्फ वाले, क्योंकि आई लव द ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स आल्सो।
कभी मेरे को भी मौका मिले तो मैं उनसे भी बात करूँगा, अलाउ मी फॉर गो फॉर अ राइड, सो इफ पॉसिबल कभी वो भी डालूँगा अपनी लाइफ में, पर रॉयल एनफील्ड के साथ तो अपना सपना सच कर पा रहा हूँ। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर, जस्ट यू हैव टू क्रॉस द ब्रिज। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वाली वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ मेरे को बताना, आज तो स्टिल 30 to 40 किलोमीटर राइड थी, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली गो फॉर 60-100, ऐसे करते करते 1000 to 2000 किलोमीटर्स की भी राइड करूँगा, आई प्रॉमिस। पर ये जो 1000 to 2000 वाला है कुछ जल्दी नहीं होगा, इट विल टेक टाइम फॉर मी टू पेरेंट्स शुड अलाउ ऑल्सो, बट अभी के लिए ही और इन्होंने यहाँ तक तो यह साथ दे दिया है तो मैं उससे बड़ा खुश हूँ। वी हैव रीच्ड द शोरूम। सो डन विद द वर्क, लेट्स गो, शोरूम जाना है। थोड़ा सा फ्यूल भी लो लग रहा है, मुझे डर लग रहा है ख़त्म ना हो जाए कहीं। तो काफ़ी अच्छी देर तक राइड करें, सर हम 35 किलोमीटर्स को चला चुका अभी तक। 35 किलोमीटर्स ऑन अ बाइक मुझे पता नहीं था इतना इजी होगा, हो सकता है मैं कभी 350 भी करूं। भाई लोग मेरे फ्रेंड्स, अभी कुछ कुछ वीडियोस मेरी यार थोड़ी गड़बड़ होती जा रही है, दैट्स थैंकली बिकॉज ऑफ माई कैमरा, उसमें कुछ थोड़ा सा फोकस की प्रॉब्लम हो जा रही है तो उसकी वजह से थोड़ी शेक हो रही है। तो जो मेरी स्टैंडर्ड वाली वीडियो थी इसने थोड़ी सी शेक कर दी थी, सो दिस इज द रीज़न वाई इट वॉज शेकिंग वेरी मच। एंड हटाओ, अब मैं उसमें नया तरीका शुरू कर रहा हूँ, उससे वीडियो और स्मूथ होगी और आपको बेटर लगेगी, उसकी ऑडियो क्वालिटी भी बेटर होगी, एंड टेस्ट राइड्स तो वैसी होती रहेंगी जैसी होती आई हैं। सो आई थैंकफुली आई कैन बी सेट, यू शुड बी सेटिस्फाइड विद माई राइड्स, फर्स्ट राइड, सॉरी, इट शुड बी माई फर्स्ट राइड एवर। मज़ा आ गया यार आज की तो राइड में। मुझे बात करूँगा जो कॉन्टिनेंटल लेके आऊँ कल, कभी अभी एक आध दिन बाद में हिमालयन भी ले जाऊँ, या एक आध दिन मैंने यार नेक्स्ट वीक तक हिमालयन ले जाऊँ या बुलेट लेके जाऊँ, प्लीज़ मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उस हिसाब से मैं आपके डीलर से मैं लाइक थोड़ा सा बात कर लूँगा। वी आर एंटर्ड बीएमसी चौक, द फेमस मैकडीज बिल्डिंग। इसका बिल्डिंग मेरे को बहुत ही सुंदर लगती है, जिसका आर्किटेक्चर इट्स सुपर्ब। अभी मैं बनेली जा रहा हूँ, कुछ वर्क अब तक आ गए, उनसे भी मैं ज़रा राइड की बात कर लूँ। आई होपफुली दे कोड अलाउ मी, अगर 600 आएगा, अगर ऐसी फगवाड़ा तक लाया ना मज़ा आ जाएगा, तहलका मच जाएगा, माय गॉड। वाई ओनली 600 आई यार, इट कैन बी 302 आर 300 TNT, नॉट TNT 25, आई डोंट लाइक इट टाइक बाइक। सो वी आर रीच बेनेली, सो वी कैन हैव अ वर्ड विद देम।